झालावाड़ मिटे महाबली चैरिटेबल ट्रस्ट झालावाड़ की ओर से मुस्लिम प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह सदर मदरसा गरीब नवाज में आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। जो है सम्मान समारोह में झालावाड़ के समस्त विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा 2023 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हमीद अहमद राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को हौसला रखकर पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि समाज के बच्चों को भी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इकबाल फातिमा ने कहा कि शिक्षा हमें समाज में प्रगति करने के अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम में शफीउल्लाह खान, रईस अल्तमश कादरी, मुकिम अब्बासी, शब्बीर अली, हाजी इस्माइल व रईस चिश्ती मौजूद रहे। समाज सेवी मुकिम अब्बासी ने भी संबोधित किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। कक्षा 10 के 34 बच्चे एवं कक्षा 12वीं के 35 बच्चों को ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं के टॉपर विद्यार्थी मंतश शेख 95.33% व अलीना सैयद खानपुर 92.33%, आहना बी मिर्शोली 92.33%, मोहम्मद अली 91.17% लाई है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने टॉपर फरमान खान, इकरा मंसूरी व अमन आसफी, शायरिन अलकेरा व नम कई प्रतिशत नंबर आने पर सम्मानित किया गया है। ट्रस्ट की ओर से राजस्थान मदरसा बोर्ड के झालावाड़ सह संयोजक बनाए जाने पर आसिफ शेरवानी का भी माला पहनाकर सम्मान किया गया है। कार्यक्रम का संचालन जाकिर खान जाकिर ने किया है और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सरफराज आलम ने सभी का शुक्रिया अदा किया। इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं बराबर कि कैसे हम अपने गांव के बच्चों को आगे बढ़ाएं और उनमें अलग अलग उनके मोटोस हैं और उसमें एक चीज जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं हम लोग कि एक टेस्ट लेते हैं नेशनल टैलेंट सर्च, उसमें ऑल इंडिया लेवल के बच्चे शामिल हो सकते हैं। वोटर पावर तो मुस्लिम बच्चों के लिए है और ये 3 कैटेगरी में एग्जाम इसका होगा नवंबर में, तो इसके लिए ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है, ऐप भी वर्ल्ड जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और इसमें 3 कैटेगरी में एग्जाम होंगे 8 से लेकर 10 तक स्कूल कैटेगरी, 11, 12 जूनियर कॉलेज और फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक वो होगा कॉलेज लेवल का। उसमें ये चीज है कि अगर 500 बच्चे जो टॉपर्स रहेंगे उन्हें नीट और जेईई मेंस वगैरह के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी इस ग्रुप के द्वारा, और साथ ही अगर जो बच्चे टॉपर रहते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में उनको 20,000 के आने वाले जो आपका दूसरा पड़ाव है उसको भी आप कोशिश करें इसको पार करें। मैं आपसे बहुत ही मानवाना गुजारिश करूंगा कि आप पढ़ाई को ड्रॉप मत करें, ड्रॉप मत करिए। अगर कोई दुश्वारी आती तो हम लोगों से कॉन्टेक्ट करें, इस ट्रस्ट से मिलें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी पढ़ाई बीच में कहीं नहीं रुकने देंगे किसी भी वजह से। हमारी सोसाइटी है, कई बार हम लोग कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं, ये बड़ा खराब सिस्टम हमारे यहाँ है ये भी कि जल्दी से शादी कर लें और बवाल खत्म हो, जिम्मेदारी खत्म हो। ये जरूरी नहीं है, अगर कोई बच्ची पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छा करियर बना सकती है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकती है, एक अच्छा लॉयर बन सकती है, एक अच्छी टीचर बन सकती है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। हम शादी ब्याह के मामलों को थोड़ा सा आगे जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर हमने रोक दिया तो फिर एक अच्छा ब्रेन जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहीं और कुछ नहीं कर पाएगा, घर के चौखट में बंद हो जाएगी वो चीजें। मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, शादी ब्याह या चौखट या पर्दा, ये सब बातें नहीं मैं चाहता, बल्कि अगर कुछ इस तरह के हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम अगर कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया जाए तो हमारी कोई बहन बेटी डॉक्टर चाहेंगे, हम कहीं अगर कोई मशवरा करने जाए तो हम चाहेंगे कि हमारी कोई बहन बेटी जो है वो अच्छा एक अच्छी डॉक्टर हो। प्रोफेसर बाल फातिमा एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने, इन्होंने हायर एजुकेशन जैसे कि सरकार की ऋण योजना है, खासतौर से शिक्षा ऋण योजना, आप लोग बैंक में जाते हैं 12th के बाद कोई भी गाइडेंस अगर आप चुनते हैं आपको लोन मिलने में तमाम तरह की दिक्कतें दुश्वारियां पेश आती है। यही काम अगर आप हमारे साथ करेंगे, जब आपका दाखिला किसी भी कॉलेज में किसी भी ऐसे कोर्स के लिए होता है जो प्रोफेशनल होता है,
उसके लिए उसकी जो फीस है, जैसे कि आप मानिए एमबीबीएस की फीस है 15 लाख रुपए, एमबीबीएस के लिए हम लोग 15 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं 5 साल के लिए। उसकी समान किस्तें होती है, 5 साल में वो आपको साल दर साल उसका पूरा पेमेंट आपको मिल जाता है। उसके 6 महीने बाद से हम आपसे इंस्टॉलमेंट लेना शुरू करते हैं। शर्त थोड़ी सी होती है कि आप उसके जो डॉक्यूमेंट है, जिसे आप सगे प्रमाण पत्र है, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कॉलेज मान्यता प्राप्त है, ये सब आपको कंप्लीट तौर पे हमें देना पड़ेगा। झालावाड़ जिले की कंडीशन ये है कि एजुकेशन के आवेदन ही नहीं आ पाए। पिछले 3 साल में मुश्किल से 4 आवेदन हमारे पास आए हैं, और जब से मैं आया हूँ माँ बाप ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो आप उनको इतनी खुशियां दो, इतना सुख दो कि वो सारी जो आपके मुकाम पर पहुंचाने के बाद जो तकलीफ उन्होंने उठाई वो तकलीफ बिल्कुल कम हो जाए। अपने उन ध्रुवों को जिन्होंने आपको एजुकेशन देकर वहां पहुंचाया, उनके भी आप एहसान मंद रहो। उसके बाद अगर आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो तो पहली चीज ये याद रखो कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। हर उन लोगों को भी याद करना जब आपको यहाँ तक पहुंचाने में जिन्होंने जो योगदान दिया है, चाहे आपके माँ बाप हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, आपके समाज के लोग हो, और ऐसे वो लोग जो एजुकेशन में आ रही परेशानियों को जिन्होंने आपकी मदद की हो, उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ अपना जीवन का घंटे दो घंटे निकालकर अपने समाज की और अपने ऐसे लोगों की मदद करनी है आपको, जो आप उनको आगे बढ़ सको। ये समाज जो बढ़ सकता है इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जोड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये आगे बढ़ सकते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी बात से परेशान ना हो, किसी बात से तकलीफ में ना आए। एजुकेशन से गाइडेंस के मामले में आपने अगर कोई किसी तरह की परेशानी आती है, आपके पेरेंट्स को लेकर हमारे अमीन सर और हमारी बहन फातिमा जैसे हमारे से कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो आपको वो गाइडेंस करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को कहीं पढ़ाई के अंदर फाइनेंशियली किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी आए,